नमस्कार गाइस, आरएस अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने कक्षा 10 के अभ्यास 12 ए की, जिसका नाम है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसमें हमने पहले भी त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बात की थी कि साइन कॉस थीटा इनका मान कैसे निकालते हैं। फिर हमने बात किया था साइन 30 अंश, साइन 60 अंश, साइन 45 अंश इनके मान कैसे आए और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब पिछले वाले जब हम वीडियो में बात कर रहे थे तो हमने बात किया था कि पूरक कोण क्या होते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि यदि एक कोण थीटा है और दूसरा कोण 90 डिग्री थीटा है तो दोनों का योग हमारा 90 के बराबर होगा। यानी मोटा मोटा कहने का मतलब यह हुआ कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हुआ तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हुए। यही तो होता है। तो वही चीज हमने पिछले वीडियो में देखी थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे वो पूरक कोण निकाले जाते हैं। मैंने आपको बाकायदा एक त्रिभुज बनाकर दिखाया था कि वो कैसे कोण आए और क्यों उनको हम इस नाम से जानते हैं, कैसे उनको सिद्ध किया जाता है। तो वो चीज अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपके लिए ये वीडियो काफी अच्छा होगा। और अगर आपको ये नहीं अभी वो चीज आपने देखी है तो पहले आप जाके वो देख लो, उसके बाद आके इस वीडियो पर देखेंगे तो आपको जल्दी क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना ही सिर्फ आपके लिए एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हम कर क्या रहे हैं। रट्टू तोता थोड़े ना बनना है। चलो, तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है? 3 cot 31, tan 15, cot 27, tan 75, cot 63 और cot 59। अब अगर आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो मैंने वहां पर एक चीज बताई थी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला था कि जब भी हम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमने बोला कि 2 × 3 × 4 × 5 लिखा है, तो 2 × 3 × 4 × 5 को मैं अगर 3 × 5 × 2 × 4 लिख देता हूं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि गुणा करने में हम चीजों को आगे पीछे कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है, बहुत ही बचपन में पढ़ा दिया जाता है ना, फर्स्ट या सेकंड में होता है। तो अब जब इस चीज को आप समझ गए हैं तो हमें क्या करना है कि इनमें से कुछ चीजों को हम आगे जाएंगे और कुछ बीजक को पीछे ले जाएंगे। तो जब हम ये चीज कर रहे होंगे तो इस बात का ध्यान देंगे कि जिनको भी हम पास में ला रहे हैं, भले वो गुणे में हो रहे हो, लेकिन उन संख्याओं का योग 90 अंश होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? उससे जब हम चीजों को बदलेंगे तो बहुत ही आसानी से वो चीजें कटेगी। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या लिखा है कि cot 31 लिखा है। अब 31 में अगर मैं 59 जोड़ दूं तो मेरा 90 अंश पूरा हो जाएगा, है ना? 59 और 160 30 90 पूरा हो जाएगा। अब अगर इसको देखेंगे तो ये लिखा क्या है? ये लिखा तो है cot 31 अंश cot 59 अंश, लेकिन मुझको क्या देखना है? मुझको सिर्फ ये देखना है कि ये जो दो संख्याएं दी हैं, जो कोण दिए हैं, इन कोणों का योग मेरा 90 अंश हो रहा हो। गुणा करना है, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि इनका योग मेरा 90 अंश हो रहा हो। जैसे ही आपको ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो अपने आप आपके क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको ये समझ में आने लगेगा कि किसको मैं किसके साथ रखूं ताकि वो जल्दी सॉल्व हो जाए। चलो, तो देखो, अब जैसे शुरू करते हैं। हमने लिखा 3 cot 31, cot 59 को इधर ले आए, ठीक है? फिर आगे लिखा हमने 10 15 अंश, और 15 में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो पूरा हो जाएगा, तो हमारा 10 75 अंश इधर आ गया। हमारा अगला है cot 27 अंश और अगला है cot 63 अंश, ठीक है? चलो, जहां पर आपको अंश ना दिखे वहां पर आप अपने आप ऑटो अपडेट कर लेना कि अंश तो लगा ही होगा। अब देखो, 31 59 90 हुआ, 15 75 90 हुआ, 27 और 63 90 हुआ। अब क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। हमने क्या किया? हमने लिखा 3 cot 31 अंश और cot 59 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 90 ऋण 31। उसी तरीके से यहां पर हमने लिखा 10 15 अंश और इसको लिख सकते हैं 10 90 ऋण 15 अंश। उसी तरीके से यहां पर हमने लिखा cot 27 अंश और इसको लिख सकते हैं cot 90 ऋण 27 अंश, लिख सकते हैं, ठीक है? चलो, अब जब यहां तक पहुंच गए तो फिर हमको पता है कि sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इनकी क्या वैल्यू होती है। तो हमने लिखा यहां पर 3 cot 31 अंश और cot 90 ऋण थीटा कितना होता है? ये tan थीटा होता है, तो ये बन जाएगा हमारा tan 31 अंश। इसी तरीके से अगला है हमारा tan 15 अंश। अब ये tan 90 ऋण थीटा को अगर देखोगे तो ये बन जाएगा आपका cot थीटा, तो ये बन गया आपका cot 15 अंश। अगला है आपका cot 27 अंश और ये देखोगे तो cot 90 ऋण थीटा यानी कि tan 27 अंश, ठीक है? यहां तक तो हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये tan है, ये cot है और वापस tan दिख रहा। तो अगर मैं tan को चाहूं तो मैं tan को 1/cot लिख सकता हूं और cot को चाहूं तो 1/tan लिख सकता हूं। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये हुआ कि जैसे ही हमने लिखा cot 31 अंश
और ये गुणे में हो गया 1/cot31, तो आपको दिख रहा है कि अब ये कटने वाली संख्याएं बन गई। उसी तरीके से tan 15 अंश, और इसको लिख सकते हैं 1/tan 15 अंश। फिर यहां पर हो गया cot 27 अंश, और इसको लिख सकते हैं 1/cot 27 अंश। लिख सकते हैं अब cot 27 से cot 27, tan 15 से tan 15, cot 31 से cot 31 कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 3 × 1 × 1 × 1 बचा यही। तो 3 × 1 × 1 × 1 हमारा क्या आ गया, 3, और यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो बिना किसी त्रिकोणमिति सारणी का उपयोग किए हमने इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिया। अगला जो प्रश्न है आपकी पुस्तक में वो ये है, cot θ tan 90 θ ऋण 1 90 θ cosec θ धन sin² 65 धन sin² 25 धन √10 5 tan 45 tan 85। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब जो चीजें हमको 90 θ में दी हुई हैं उनको हम पहले से ही बदलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या लिखा यहां पर cot θ, और ये tan 90 θ कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा cot θ, है ना, tan 90 θ बराबर cot θ, तो हमने लिख दिया ऋण। यहां पर है sec 90 θ, तो sec 90 θ को जब देखोगे तो यह क्या बन जाएगा, sec का क्या बनता है, cosec बनता है, तो यह हमारा बन गया cosec θ, और 1 cosec θ हमको पहले से दिया हुआ है। ठीक है, धन वो आपका है sin² 65 अंश, इसको ऐसे ही रख दिया, धन sin² 25 अंश को लिख सकते हैं sin² 90 ऋण 65 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो हमारा tan 5 और tan 85 है, तो उसको क्या करते हैं हम लिख देते हैं √3। मैं थोड़ा और इधर से लिखता हूं, अभी जगह चाहिए होगी। ठीक है, यहां से मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा √3 tan 5 अंश। ठीक है, और tan 85 को हम लिख सकते हैं tan 90 ऋण 5 अंश, और tan 45 हमारे पास है ही। अब यहां पर देखोगे तो ये बन गया आपका cot²θ ऋण cosec²θ। ठीक है, आगे देखोगे तो ये है हमारा sin² 65 अंश, और इसको अगर देखेंगे तो ये कितना बनेगा, ये sin² 90 θ है तो ये cos²θ बन जाएगा, यानी ये बन गया हमारा cos² 65 अंश। ठीक है, आगे बढ़े तो ये है √3, ये आपका हो गया tan 5 अंश, और tan 90 ऋण 5 को बोल सकते हैं क्या हुआ, 90 ऋण θ कितना होता है cot θ, तो यहां पर क्या हो गया tan 90 ऋण θ हमारा बन गया cot θ, तो ये बन गया cot 5 अंश, और ये हमारा tan 45 हमारे पास पहले से दिया था। अब अगर यहां पर देखोगे तो ये cot²θ ऋण cosec²θ, ये आपको मैंने एक सूत्र बताया था दूसरे वीडियो में, जब हमने बात किया था कुछ महत्वपूर्ण कोणों के बारे में, वहीं पर मैंने आपको ये सूत्र बताया था। अगर आप पिछले वीडियो में भी जाते हो जिसमें मैंने आपको पूरक कोण समझाया है, वहां पर भी मैंने वीडियो में समझाया है कि कैसे हमारे ये सारे सूत्र है, तो सूत्र कैसे डिराइव हुए वो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, और क्या क्या सूत्र है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो cot²θ ऋण cosec²θ इसका मान होता है 1, धन sin²θ धन cos²θ, तो sin² 65 अंश धन cos² 65 अंश इसका मान भी हो जाएगा 1, है ना, sin²θ धन cos²θ, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। आगे बढ़े तो हमारे पास √3 है, और यहां पर देखोगे तो ये tan 5 हो गया। ठीक है, ये tan 5 हो गया, और यहां पर अगर देखोगे तो ये cot 5 को हम 1/tan 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और tan 45 का मान जो होता है, लिखना है तो लिख दो, tan 45 का मान 1 होता है। अब हमारा tan 5 कट गया ना, ये tan 5 है, ये cot 5 हमारा नीचे आ गया, तो tan 5 हो गया, तो हमारा tan 5 आपस में कट गए, तो हमारे पास बचा ये। अब इसको अगर देखोगे तो 1 और 1 2 जुड़ के 2 हो गया, धन यहां पर अगर देखोगे तो ये आपका √3 आपको पहले से दिया है, तो अगर चाहो तो √3 का मान रख दो, 1.732 जोड़ दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 3.732। ठीक है, तो प्रश्न अगर हमारा ये है तो हमारा उत्तर ऐसा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत थी इसमें। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है, cos 65 अंश बटे sin 25 अंश धन cosec 34 अंश बटे sec 56 अंश, ऋण 2 cos 43 अंश cosec 47 अंश बटे tan 10 अंश tan 40 अंश tan 50 अंश tan 80 अंश। ओके, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पीछे वाले पार्ट की, जो सबसे बड़ा दिख रहा है, वहां पर अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको दिख रहा है tan में 10 अंश है, 40 अंश है, 50 अंश है और 80 अंश है। तो क्या आपको दिख रहा है क्या कि किन दो दो कोणों को हम आपस में रख दें तो उनका 90 अंश योग बन जाए?
तो आपको दिखेगा कि 10 और 80 को अगर आप एक साथ रख दो तो वो 90 हो रहे हैं, उसी तरीके से 40 और 50 आपस में 90 हो रहे हैं। हालांकि ये गुणे में दिए हुए हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि इनका योग 90 हो रहा हो, ताकि हम उनको आसानी से परिवर्तित कर सके। तो हमने यहां पर लिखना शुरू किया, हमने लिखा कॉस 65 अंश, ठीक है, और साइन 25 अंश को आप चाहो तो लिख सकते हो साइन 90 ऋण 65 अंश, ठीक है। आगे बढ़े तो आपने लिखा कॉसेक 34 अंश। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऊपर वाले को परिवर्तित करते हो या नीचे वाले को, क्योंकि ऊपर वाले को भी अगर लिखते तो ऊपर वाले को आप साइन कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 90 ऋण 25 लिख सकते थे, या यहां पर अगर चाहते तो आप कॉसेक ब्रैकेट में 90 ऋण 56 लिख सकते थे। कोई भी परिवर्तन नहीं आता, चाहे आप ऊपर बदलो चाहे नीचे बदलो इस प्रश्न में, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हमने लिखा सेक, ठीक है, और ये 90 ऋण 34 अंश हो गया, ठीक है। आगे बढ़े तो माइनस है, यहां पर हमारा क्या हुआ, कॉस 43 को हम वैसे ही रखते हैं कॉस 43 अंश, और कॉसेक 47 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 ऋण 43 अंश लिख सकते हैं, बटे टैन 10 अंश, और टैन 80 को मैं लिख सकता हूं टैन 90 ऋण 10 अंश लिख सकते हैं। आगे बढ़े तो टैन 40 अंश और टैन 40 अंश 40, ठीक है, और टैन 50 को हम लिख सकते हैं टैन 90 ऋण 40 अंश, ठीक है। अब आपके दिमाग में आने लगा होगा कि हाँ भाई क्या क्या अब यहां पर ओपन होगा और क्या बंद होगा, तो अब इसको लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस 65 अंश बटे साइन 90 ऋण थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 65 अंश। आगे बढ़े तो प्लस ये आपका ऊपर है कॉसेक 34 अंश, और जब नीचे आप देखोगे तो सेक 90 ऋण थीटा है जो कि बन जाएगा वापस से कॉसेक थीटा, तो आपका नीचे भी बन गया कॉसेक 34 अंश ऋण। जब यहां पर जाओगे तो क्या लिखा है आपका 2 कॉस का 43 अंश, और कॉसेक 90 ऋण थीटा हमारा क्या होता है, यह होता है सेक थीटा, तो यह बन जाएगा सेक 43 अंश बटे टैन 10 अंश, तो हमारा वैसे ही लिखा है, और जब हम यहां पर देखेंगे तो टैन 90 ऋण थीटा है, टैन 90 ऋण थीटा हमारा बन जाता है कॉट थीटा, तो ये बन जाएगा कॉट 10 अंश। ये आपका टैन 40 वैसे ही रखा है, और वापस से टैन 90 ऋण थीटा आपका यानी कि 90 ऋण 40 है जो कि बन जाएगा कॉट 40 अंश, ठीक है। चलो अब यहां पर देखेंगे तो कॉस 65 से कॉस 65 यानी कि कॉस 65 से कॉस 65 कट गया तो एक आ गया, उसी तरीके से कॉसेक 34 से कॉसेक 34 कट जाएगा तो एक आ जाएगा ऋण, ठीक है, काटना तो आपको पता ही है। इधर बढ़े तो इधर क्या लिख सकते हैं हम, ध्यान दो, ठीक है, अब सिर्फ इस वाले पे ध्यान दो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो आपका सेक 43 है इसको मैं 1/cos 43 भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर तो आपस में सारी चीजें गुणे में है ना, कॉस 43 का गुणा हो रहा है सेक 43 से, और बटे में टैन 10 कॉट 10 टैन 40 कॉट 40 आपस में गुणा हो रहा है, तो हम करने को क्या कर सकते हैं कि सेक 43 को अगर मैं कॉस 43 लिख दूं तो 1/cos 43 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर इस कॉट 10 को मैं चेंज करके 1/tan 10 लिख दूं और इस कॉट 40 को चेंज करके 1/tan 40 लिख दूं तो क्या होगा कि tan 10 ऊपर चला जाएगा और ये कॉट 40 वाला tan 40 ऊपर चला जाएगा। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, सपोज हमने लिखा है यहां पर, अगर हम कुछ भी मान ले, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है 1/cot 10, ठीक है, आपका यहां पर 1/cot 10 लिखा हुआ है मान लीजिए, ठीक है। अब इसको जब चेंज करेंगे तो कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट को हम लिखते हैं टेन, तो हम लिख सकते हैं 1/1/tan 10 लिखेंगे। अब क्या होता है, आपको पता है कि जब ऊपर वाली संख्या सिर्फ एक हो लेकिन नीचे जो आपका हर है उसको हम वापस से अंश बटे हर में लिख देते हैं तो जो आपका हर वाला पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है। पहले वीडियो में बताया था कि 1/2/3/4 जो है इनका गुणा कैसे होता है, 1 का गुणा 4 से 2 का गुणा 3 से, यदि हमको 1/2/3 दिया है तो 1/2/3 हो जाता है, और यदि 1/3/4 दिया है तो 1/4/3 हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया टेन 10, तो बस यही चीज यहां पर हमको करनी है, तो हमने चेंज किया और वैल्यूज को ऊपर नीचे कर दिया, तो ये 1 और 1 जोड़ के आपका 2 हो गया ऋण। यहां पर जब हमने शुरू किया तो हमने लिखा 2 cos 43, ठीक है, ये cot 10 को ऊपर ले गए तो ये बन गया tan 10, ये cot 40 को ऊपर ले गए तो ये बन गया tan 40, और नीचे साइड जब आए तो tan 10 हमारे पास पहले से है, ठीक है,
tan 40 एक हमारे पास पहले से है और ऊपर साइड से हमारा जो sec 43 था वो नीचे आके cos 43 बन गया। अब आपको दिख रहा होगा कि सारी संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो हमने सारी संख्याओं को आपस में काट दिया। जब काटा तो यहां पर आ गया 2, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में हमारे पास बचा 2 ऋण 2, जिसको सॉल्व किया और आंसर आ गया 0। अगला क्वेश्चन ये है, cos 70 बटे sin 20 धन cos 55 अंश cos 35 अंश बटे tan 5 tan 25 tan 45 tan 65 tan 85। वापस दूसरे वाले पार्ट में देखो, क्या आपके ऐसे नंबर हैं जिनको आपस में जोड़ के आप 90 कर सकते हो? तो बिल्कुल भाई, 5 को 85 में जोड़ दो, 25 को 65 में जोड़ दो, 90 90 पूरा हो रहा है, बस वही करेंगे। तो क्या लिखना शुरू किया, चलो तो पिछली बार हमने कौन सा चेंज किया था, पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में हमने नीचे वाले को चेंज किया था, ठीक है। अब की बार मैं आपको ऊपर वाला चेंज करके दिखा रहा हूं। तो मैंने लिखा cos 90 ऋण 20 अंश बटे sin 20 अंश, ठीक है, धन ये हमने लिखा cos 55 अंश, और cosec 35 को क्या लिख सकते हो, cosec 35 को लिख सकते हैं cosec 90 ऋण 55 अंश, ठीक है, बटे tan आपका 5 अंश पहले से दिया है, और tan 85 को हम लिख सकते हैं tan 90 ऋण 5 अंश, ठीक है। आगे बढ़े तो tan 25 हमको दिया हुआ है, तो हमने रखा tan 25 अंश, और tan 65 को हम लिख सकते हैं tan 90 ऋण 25 अंश। फिर आगे बढ़े तो हमको क्या बोला है, tan 45 अंश, तो tan 45 को हमने वैसे का वैसे ही रख दिया, ठीक है। एक cos 90 ऋण थीटा हमारा sin थीटा बन जाता है, तो ये बन जाएगा आपका sin 20 बटे sin 20। और आगे बढ़े तो हमारा ये हो गया cos 55 अंश, और cosec 90 ऋण 55 बन जाएगा हमारा sec 55 अंश, तो ये बन गया sec 55 अंश बटे tan 5 अंश, tan 90 ऋण 5 को हम बोल सकते हैं cot 5 अंश, tan 25 अंश, और tan 90 ऋण 25 को हम बोल सकते हैं cot 25 अंश, और tan 45 हमारे पास दिया हुआ था, ठीक है। अब वही चीज करेंगे कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, sec को नीचे ले आएंगे तो cos बन जाएगा, cot को ऊपर ले जाएंगे tan बन जाएगा, cot को ऊपर ले जाएंगे tan बन जाएगा। यहां पर ये संख्या जब हमारी कटी तो sin 20 बटे sin 20 हमारा 1 हो गया, यहां पर आगे देखा तो ये बन गया cos 55 अंश, ठीक है, cot 5 को ऊपर ले गए तो ये हमारा tan 5 अंश बन गया, और cot 25 को ऊपर ले गए तो ये हमारा tan 25 अंश बन गया। नीचे देखा तो हमारे पास है tan 5 अंश, ठीक है, आगे देखा तो ये हमारे पास tan 5 अंश और tan 25 अंश था, उसी तरीके से हमारे पास एक tan 45 अंश है, ठीक है। अब जब कट करना शुरू किया, tan 25 से tan 25, tan 5 से tan 5 काटा, और ये जो sec 55 था, sec 55 भी तो नीचे आके cos 55 बन जाएगा, तो cos 55 से cos 55 कट गया। अब हमारे पास संख्या क्या बची, यहां पर 1 बटे tan 45, तो अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 धन 1 बटे tan 45, tan 45 का मान भी आपका होता है 1, तो हमारी जो संख्या बनी वो क्या बनी, वो बनी 1 धन 1 बटे 1, इसको जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है साइन स्क्वायर 22 अंश धन साइन स्क्वायर 68 अंश बटे कॉस स्क्वायर 22 अंश धन कॉस स्क्वायर 68 अंश धन साइन स्क्वायर 63 अंश धन कॉस 63 साइन 27 का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, हमने लिखा साइन स्क्वायर 22 अंश धन साइन स्क्वायर 90 ऋण 22 अंश, ठीक है, बटे कॉस स्क्वायर 22 अंश धन कॉस स्क्वायर 90 ऋण 22 अंश। आगे बढ़े तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर 63 अंश धन, ये हमारा कॉस 63 हमको पहले से दिया है, और साइन 27 को हम चेंज करके लिख सकते हैं साइन 90 ऋण 63 अंश, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो क्या होगा कि ये बन गया साइन स्क्वायर 22 अंश धन साइन स्क्वायर 90 ऋण थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर 22 अंश बटे कॉस स्क्वायर 22 अंश आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 22 अंश, ठीक है, बन जाएगा, यही तो होगा।
साइन स्क्वायर 22 अंश हमको दिया था, साइन स्क्वायर 68 को लिख सकते थे साइन स्क्वायर 90 ऋण 22, तो वो कॉस स्क्वायर 22 बन गया। नीचे आपको कॉस स्क्वायर 22 अंश दिया हुआ है और कॉस स्क्वायर 68 को हम लिख सकते थे कॉस स्क्वायर 90 ऋण 22, तो वो बन गया साइन स्क्वायर 22 धन साइन स्क्वायर 63 अंश धन, ये हो गया कॉस 63 और साइन 90 ऋण 63 को हम लिख सकते हैं कॉस 63 अंश। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बटे एक, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बटे बराबर एक, तो हमारा ऊपर और नीचे तो आ गया एक। ठीक है, यहां पर धन ये हो गया साइन स्क्वायर 63 अंश धन, ये कॉस 63 कॉस 63 जुड़ के हमारे बन जाएंगे कॉस स्क्वायर 63 अंश। ठीक है, अब वापस से देखो तो ये हमारा हो गया एक और ये साइन स्क्वायर 63 धन कॉस स्क्वायर 63 इसकी वैल्यू भी एक आ गई, तो आंसर जुड़ के हमारा आ गया दो, आ गया दो। ठीक है, चलिए, सो ये था आपका पहला वीडियो इस अभ्यास का। अभी इसके हम कुछ और प्रश्नों पर बात करेंगे अगले वीडियो में, तो समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या पूछा जा सकता है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।